हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज की हमारी टैली की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे? लास्ट क्लास में हमने थ्योरी क्लियर की थी। इस क्लास में हम सीखेंगे कंपनी क्रिएट करना, शर्ट करना, सिलेक्ट करना एंड फाइनेंशियल ईयर एंड करंट ईयर्स, करंट डेट्स वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग फर्स्ट डे है हमारी टैली प्राइम को ओपन करने की, मीन्स प्रैक्टिकल की। तो स्टार्ट करते हैं, हमें टैली प्राइम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे टैली प्राइम ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम लेता है टैली प्राइम ओपन होने में, तो आपको वेट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टैली प्राइम ओपन हो चुका है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं, एजुकेशन मोड, लाइसेंस, रीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट। तो हमें किस पे सीखना है? हमें एजुकेशन मोड पे सीखना है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन लेना है यहाँ पे, एजुकेशन मोड। जैसे आप एजुकेशन मोड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका ऐसा स्क्रीन शो करेगा। तो ये हमारा होता है होम स्क्रीन ऑफ टैली, मीन्स जब भी आप टैली को ओपन करते हो और एजुकेशनल मोड सिलेक्ट करते हो तो ऐसा आपको ऑप्शन शो करेगा ही। तो ये टैली का हमारा स्क्रीन है। पहला स्टेप हमें कंपनी क्रिएट करना सीखना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट के साथ के, और मोस्टली आपको ये यूज करना है कि आपको सिर्फ कीबोर्ड से ही ऑपरेट करना है। विदाउट कीबोर्ड आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ओनली शॉर्टकट की के थ्रू ही आपको टैली पूरा ऑपरेट करना है, मीन्स आपको माउस की हेल्प नहीं लेनी है। कोशिश यही करना है कि माउस की हेल्प नहीं लेनी। तो ऑल्ट के साथ आपको के प्रेस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे जाओगे तो आप यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स फाइल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपनी ABCD लिख दिया, ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिख दिया हमने। यहाँ पे और भी डिटेल्स है, स्टेट्स वगैरह जो भी आपको अगर फिल करना हो तो आप फिल कर सकते हैं, स्किप करना हो। स्टार्टिंग क्लास है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं आपके फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि जब भी आपने कंपनी स्टार्ट की है, कंपनी स्टार्ट करने की आप डेट यहाँ पे क्या, स्टार्टिंग डेट क्या डालना चाहते हो। तो मोस्टली ये दोनों डेट सेम होती है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है अपने अकाउंट्स में आप बुक अपने अकाउंट्स में आप एंट्री कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद सेव करना है तो यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी नेम सेव हो गई है। आफ्टर कंपनी नेम सेव होने के बाद हमारे पास कुछ कंपनी के फीचर्स आते हैं। तो आपको इन कंपनी के फीचर्स को, किसी भी ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना है, वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जैसे यस करके देखोगे तो सारी डिटेल्स आपकी कंपनी के फीचर्स आपके शो करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अकाउंट्स को यस रखना है, बिल वाइज एंट्री को नो कर देना है, कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये तीन ऑप्शंस आपको नो करते हुए चलना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। और कंट्रोल ए करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ए किसके लिए? सेव करने के लिए। जैसे अदर सॉफ्टवेयर में आप कंट्रोल एस यूज करते हैं तो इसमें आप कंट्रोल ए यूज करेंगे फाइल को सेव करने के लिए। तो ये तो हमने सीख लिया कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कंपनी को शट करना, मीन्स इस कंपनी से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आप देखोगे पहले की पुरानी कोई कंपनी है लेकिन ABCD वाली कंपनी को यहाँ से हटानी है, मीन्स शट करनी है। तो इसके लिए आप प्रेस करोगे कंट्रोल F3। जैसे आप कंट्रोल F3 करोगे तो यहाँ पे शट कंपनी है। कौन सी कंपनी करनी है? मैंने कहा ABC, और आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वो कंपनी शट हो चुकी है, मीन्स यहाँ से गायब हुई है, यहाँ से बंद हुई है, कंपनी डिलीट नहीं हुई है। कंपनी को दोबारा रीओपन करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F3। तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी ABCD प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी थी, उस कंपनी को आप क्या कर दोगे, एंटर प्रेस कर दोगे तो वो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। कंपनी को ओपन होने के बाद नेक्स्ट जो है हमें क्या सीखना है यहाँ पे कंपनी को, ये तो हमने सिलेक्ट करना सीख लिया, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना। उसके लिए आप प्रेस करोगे ऑल्ट के साथ F2। F2, F4, F3 जितने भी मैं बोल रही हूँ सारे हमारे फंक्शन कीज है। नेक्स्ट, इसके बाद चेंज पीरियड करना है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर डालेंगे कि हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है कब से हो रही है, 1/4/2024-3 से, और जो कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2024। मतलब ये आप क्या डाल दोगे, फाइनेंशियल ईयर डाल दोगे। इसके लिए आप ऑल्ट F2 करोगे। करंट डेट कन्वर्ट करना है आपको, उसके लिए आप F2 प्रेस करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो 1/4/2023 और एंटर प्रेस कर दोगे। तो ये हमारा ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टैली का। नेक्स्ट क्लास में हम इस कंपनी को क्रिएट करने के बाद कंपनी में लेजर्स और वाउचर्स बनाना सीखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए टैली की फुल वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए।